कि आप भी YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और आपसे YouTube चैनल क्रिएट नहीं हो रहा, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट हुए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल क्रिएट करने के लिए आपको तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे फर्स्ट में मोबाइल फ़ोन जो कि आपके पास है, दूसरा है ईमेल आईडी, वो भी आपके मोबाइल फ़ोन में है, तीसरा है मोबाइल नंबर, वो भी आपके पास है, तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। पहले आपको जीमेल को ओपन करना, अगर आपके पास जीमेल है तो ठीक है, नहीं तो जीमेल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ऊपर हम देख सकते हैं राइट साइड में लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेगा बहुत सारे यहाँ पर आपके पास जीमेल होंगे, शो कर रहे होंगे, मेरे पास बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो नीचे में देख सकते हैं ऐड ऑर्थो अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गूगल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं चेक फॉर इन्फो होगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेगा फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के अपना जीमेल क्रिएट कर लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो ठीक है। उसके बाद आपको YouTube ऐप को ओपन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं YouTube को ओपन कर लिए। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में राइट साइड में लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप ईमेल यहाँ पर बनाए हैं वहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लॉगिन किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस पे जाना है लोगों पे। लोगों पे जाने के बाद योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो कुछ इस प्रकार पेज ओपन होंगे, देख सकते हैं तो क्रिएट चैनल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेम रखना है, चैनल का नेम जो आप रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल दे के। देख सकते हैं आप इसे कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर रख सकता हूँ टेक्निकल स्वामी जी। रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेव यहाँ पर हो चुका है। ऊपर में देख सकते हैं आप यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं अपना चैनल का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो पे क्लिक कर देना है, सेकेंड वाला ऑप्शन पे। आप लोगो बना के रखें तो ठीक है, नहीं तो आप बना लीजिएगा। अगर आप कमेंट ज़्यादा करेगा तो उस पर मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक यहाँ पर अपना लोगो लगा लेता हूँ, जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक लोगो लगा लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लोगो यहाँ पर सेव हो चुका। होने के बाद यहाँ नीचे में देख सकते हैं क्रिएट चैनल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट चैनल पर जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ सेकंड के लिए वेट करना। देख सकते हैं यहाँ पर चैनल आपका क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं नो सब्सक्राइबर टेक्निकल स्वामी जी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। बाद यहाँ पर देखिए एडिट चैनल पर जाना है आपको। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल पर जैसे ही क्लिक करिएगा डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कुछ भी, जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से कैसे वेरीफाई करते हैं, तभी आपका थंबनेल लगेगा, नहीं तो आपका नहीं लगेगा। जो थंबनेल आप देखते हैं फर्स्ट में सब लगाए हुए रहते हैं, वो YouTube चैनल जब वेरीफाई होता है मोबाइल नंबर से तभी आप YouTube चैनल का थंबनेल लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले आपको YouTube.com सर्च कर लेना है। सर्च पे जाने के बाद उसके बाद YouTube को ओपन करना है यहाँ पे। अब जैसे ही ओपन करिएगा कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेंगे। ऊपर में देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद डैशर शॉट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जाना है लोगों पर, लोगों पर क्लिक करने के बाद योर चैनल पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कस्टम चैनल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो कस्टम चैनल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। वेट करते हैं कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं आपका सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं चैनल पर जाना है, यहाँ पर आपको चैनल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो तीसरे पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेकंड में, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करिएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ सेकंड के लिए वेट करिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद तो आपको कुछ प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कंट्री सिलेक्ट कर लेना, नीचे में मोबाइल नंबर आपको डालना, तो टैग तो वेरीफाई कोड से भी कर सकते हैं या कॉल मी बीट मैसेज वॉइस, यानी आप कॉल पे क्लिक करिएगा तो आपको उधर से कॉल आएगा, फिर आपको यहाँ पर OTP डालना है, वेरीफाई कोड, उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं वेरीफाई करता हूँ, कॉल पे किए हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 6 डिजिट का कोड उधर से बता दिया, डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेगा वेरीफाई सबमिट हो चुका, फ़ोन नंबर वेरीफाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बता दिया। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद यूट्यूब को ओपन करना, अब जैसे ही ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हैं वीडियो को, देखिए इस पर प्लस पर क्लिक करना, अपलोड का ऑप्शन आया इस पर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर वीडियो को अपलोड अब कर सकते हैं बहुत ही ईजी से।